वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज का वीडियो है डिशवॉशर कैटेगरी से। आज हम बात करेंगे बॉश डिशवॉशर के बारे में, एंड बॉश डिशवॉशर में पर्टिकुलर दो मॉडल्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जनरली कस्टमर्स इन दोनों डिशवॉशर के मॉडल्स के बीच में कन्फ्यूज रहता है कि उनको कौन सा डिशवॉशर लेना चाहिए और कौन सा डिशवॉशर इनमें से बेस्ट है। देखो, बॉश कंपनी का आप कोई भी डिशवॉशर परचेज करते हैं, सबका क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलेगा। सिर्फ कुछ सेटिंग्स का, फीचर्स का एंड फंक्शंस का आपको डिफरेंस दिखेगा मॉडल टू मॉडल। अदरवाइज आप कोई भी मॉडल चूज करें, क्वालिटी सबका ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों मॉडल्स के डिफरेंस के बारे में कि क्या क्या डिफरेंस आपको इन दोनों मॉडल्स के अंदर मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक बार इन दोनों मॉडल्स के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। एक मॉडल सीरीज 4 कैटेगरी का एंड दूसरा मॉडल सीरीज 6 कैटेगरी का। सीरीज 4 कैटेगरी वाले का मॉडल नंबर है SMS46KI03I एंड सीरीज 6 वाले का मॉडल नंबर है SMS6HVI00I। एंड ये दोनों ही मॉडल 14 प्लेस सेटिंग के साथ आते हैं। 14 प्लेस का मतलब जो 14% मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल्स वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप इस डिशवाशर के अंदर उन सभी यूटेंसिल्स को एक बार में वॉश कर सकते हैं। तो इन दोनों ही डिशवॉशर के अंदर आपको लोअर बास्केट मिलता है आपके हैवीली सॉइल डिशेस के लिए, जिसमें आप अपने बड़े गंदे बर्तन लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स, उन सभी को रख के आप इसमें इजीली वॉश कर सकते हैं। देन अपर बास्केट आपको मिलता है आपके नॉर्मली आपके मिक्स सॉइल डिशेस के लिए, जितने भी आपके छोटे गंदे बर्तन हैं वो आप इसके अपर वाली बास्केट में रख के वॉश कर सकते हैं। इन दोनों के अपर वाले बास्केट के अंदर आपको 3-स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर देखने को मिलता है। तो इसकी अपर बास्केट को आप 3 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। एंड दोनों ही मॉडल्स के अंदर आपको अपर साइड में एक कटलेरी ट्रे मिलता है, तो जितना भी आपका कटलेरी है वो प्रॉपर तरीके से आप इस पर रख के वॉश कर सकते हैं। एंड ये दोनों ही मॉडल आपको सिल्वर आइनॉक्स फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं। एंड सीरीज 4 कैटेगरी वाले मॉडल का करंट MRP है 68,990 का, एंड सीरीज 6 वाले मॉडल का करंट MRP 72,990 का है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको परचेस लिंक मिल जाएगा, आप वहां भी चेक। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों डिशवॉशर मॉडल्स के बीच में डिफरेंसेस के बारे में कि क्या डिफरेंसेस आपको इन दोनों डिशवॉशर के अंदर मिलते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आपको मिलता है वाईफाई कनेक्टिविटी का। SMS46 मॉडल यानी कि सीरीज 4 कैटेगरी वाले मॉडल के अंदर आपको वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, जबकि नए सीरीज 6 यानी कि SMS6H वाले मॉडल के अंदर आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है। इस वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर आप होम कनेक्ट ऐप के थ्रू आप अपने डिशवॉशर को अपने स्मार्टफोन से पेयर करके आप उसके साथ कम्युनिकेट करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो उस होम कनेक्ट ऐप के थ्रू ये कुछ एक एडवांटेज आपको मिल जाते हैं, जिसमें से पहला आपको मिलता है रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। आप अपने स्मार्टफोन के हेल्प से आप अपने डिशवॉशर को कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स का ऑप्शन मिलता है। कंपनी अगर इन फ्यूचर कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है तो विद द हेल्प ऑफ दिस वाईफाई आप उसको इन फ्यूचर में डाउनलोड करके अपने एग्जिस्टिंग डिशवॉशर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद वॉइस असिस्टेंट एंड स्मार्ट वॉचेस, आप वॉइस कमांड के थ्रू भी डिशवॉशर को ऑपरेट कर सकते हैं और अपनी स्मार्ट वॉचेस के थ्रू भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस एंड रिमाइंडर्स, आप अपने स्मार्टफोन में अपने डिशवॉशर के साइकिल का नोटिफिकेशन और रिमाइंडर भी ले सकते हैं। अप्लायंस का सॉफ्टवेयर अपडेट, तो जैसे ही कोई कंपनी नया सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करती है तो आप डिशवॉशर के अंदर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हमेशा आपको अपने डिशवॉशर के अंदर बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स मिल जाती है। ईजी स्टार्ट असिस्टेंट, एक तो डिशवॉशर के अंदर जो हमें प्रोग्राम्स मिलते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपने डिशेस के हिसाब से, बट इस ईजी स्टार्ट असिस्टेंट के अंदर आप डिशवॉशर को बता सकते हैं कि किस तरीके के वेसल्स या किस तरीके के डिशेस आप इसमें वॉश करने वाले हैं। तो वो सब चीज़ें जब हम डिशवॉशर को बताते हैं तो डिशवॉशर हमें एक बेस्ट पॉसिबल प्रोग्राम को रिकमेंड करता है, तो उस रिकमेंडेशन से हम उस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिशवॉशर को यूज़ करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है और कन्वीनियंट हो जाता है। रिमोट डायग्नोसिस का फीचर मिल जाता है, अगर कोई छोटा मोटा इश्यू है, एरर आपके डिशवॉशर में आ रहा है तो आप उसको रिमोटली भी डायग्नोस करा सकते हैं। देन सेकंड डिफरेंस में हम लोग बात करते हैं एक्वा स्टॉप सेंसर का। जब इन दोनों डिशवॉशर को हम लोग बैक साइड से देखते हैं तो इस सीरीज 4 कैटेगरी के SMS46 वाले मॉडल में आप इसके इनलेट पाइप के ऊपर देखेंगे तो एक आपको एक्वा सेंसर का फीचर देखने को मिलता है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इसके मदरबोर्ड से। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके एरिया में वाटर का अनइवन फ्लो आ रहा है और वो अनइवन फ्लो इतना है कि डिशवॉशर डैमेज हो सकता है, तो ये एक्वा स्टॉप सेंसर उसको सेंस करके इमिडिएटली वाटर का इनटेक स्टॉप कर देता है, ताकि आपको डिशवॉशर के अंदर कोई आपको हार्म ना देखने को मिले। अब ये वाला फीचर आपको सिर्फ इस वाले मॉडल के अंदर मिलता है। ये फीचर अभी कंपनी ने सीरीज 6 कैटेगरी के नए वाले मॉडल्स में से हटा दिया है।
अब इस फीचर को हटाने के पीछे ब्रांड ने कोई रीजन तो डिस्क्लोज नहीं किया है, बट डे बाय डे टेक्नोलॉजी और क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है, तो हो सकता है कि कुछ और फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए इसको रिमूव कर दिया गया हो। देन एक बार इन दोनों डिशवाशर के प्रोग्रामिंग्स को भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। 5 वॉशिंग प्रोग्राम्स आपको इन दोनों मॉडल्स के अंदर कॉमन मिल जाते हैं। इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री जो आपके हैवीली सॉइल डिशेस के लिए प्रोग्राम है, ये दोनों मॉडल्स के अंदर आपको अवेलेबल मिलता है। ऑटो 45-65 डिग्री, ये एक सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, तो जितने गंदे आपके बर्तन है उस हिसाब से प्रोग्राम काम करता है। ये प्रोग्राम भी आपको दोनों मॉडल्स के अंदर मिल जाता है। इको 50 डिग्री का प्रोग्राम भी आपको दोनों मॉडल में मिल जाएगा, ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम है, तो अगर आपके पास समय है बर्तन धोने का तो इस वाले प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। 1 आवर का रैपिड प्रोग्राम आपको मिलता है, जिसमें डिशवॉशर के अंदर 65 डिग्री में आपको वॉशिंग मिलता है एंड वॉश, रिंस एंड ड्राई, तीनों चीज़ें आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाती है 60 मिनट के अंदर। देन प्री रिंस का प्रोग्राम मिलता है आपको 15 मिनट का दोनों ही मॉडल्स के अंदर, तो सिर्फ यूटेंसिल्स को अगर आपने रिंस करने हैं तो इस 15 मिनट वाले प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। 6 प्रोग्राम आपको मिलता है SMS 46 यानी कि सीरीज 4 कैटेगरी वाले मॉडल के अंदर ग्लास केयर 40 का, तो जितने भी आपके एक्सपेंसिव डेलिकेट्स ग्लासवेयर यूटेंसिल्स हैं उनको आप इस प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हो, तो इस प्रोग्राम के अंदर उनके रिजल्ट्स आपको बिल्कुल बेस्ट देखने को मिलेंगे। एंड ये वाला प्रोग्राम सीरीज 6 कैटेगरी के SMS 6X वाले मॉडल के अंदर अवेलेबल नहीं मिलेगा। सीरीज 6 वाले डिशवॉशर के अंदर आपको 6 प्रोग्राम मिलता है फेवरेट का। अगर आप अपने हिसाब से डिशवॉशर के प्रोग्राम्स के अंदर कोई फर्दर कस्टमाइजेशन करते हैं या कोई फर्दर सेटिंग करते हैं और आप चाहते हो वो सेटिंग आपके डिशवॉशर के अंदर सेव रहे ताकि नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा ना करनी पड़े, तो इस फेवरेट वाले प्रोग्राम के अंदर उस सेटिंग्स को आप रख के सेव कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई कस्टमाइजेशन का सेटिंग्स करके आप इसमें सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो ये प्रोग्राम है वो काम करता है आपका क्विक वॉश 45 डिग्री के अंदर। ये एक रैपिड प्रोग्राम है आपके उन यूटेंसिल्स के लिए जिनके अंदर आपने फूड कुक नहीं किया है, लाइक जो कम गंदे हैं जैसे आपके ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल्स हो गए, तो उन सभी यूटेंसिल्स को आप इस क्विक वॉश वाले प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वॉश एंड रिंस मिलेगा, तो ड्राई यूटेंसिल आपको इसमें नहीं मिलेंगे, तो आपको मैन्युअली यूटेंसिल्स को वाइप करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों डिशवॉशर के मॉडल्स के अंदर हम लोग वॉश ऑप्शंस को भी कंपेयर कर लेते हैं। इन वॉश ऑप्शंस को आप किसी भी प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। SMS 46 वाले मॉडल के अंदर आपको वेरियो स्पीड प्लस का वॉश ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस वॉश ऑप्शन को आप किसी भी प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। इसको एड ऑन करने के बाद जो डिशवॉशर का टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर जो टाइमिंग आपका रिड्यूस होगा वो 20% से लेकर 66% तक होगा। सेम इसी तरीके से यही वॉश ऑप्शन आपको SMS 6X वाले मॉडल के अंदर भी मिलता है। यहाँ पर वो आपको स्पीड परफेक्ट प्लस के नाम से मिलता है एंड इस वाले मोड के अंदर डिशवॉशर का टाइमिंग 15% से लेकर 75% तक कम हो जाता है। सो बेसिकली काम इन दोनों वॉश ऑप्शन का एक ही है, बस थोड़ा सा टाइमिंग में परसेंटेज वाइज दोनों में डिफरेंस रहता है। इंटेंसिव जोन का वॉश ऑप्शन आपको दोनों ही मॉडल्स के अंदर मिल जाता है। इस वॉश ऑप्शन के अंदर आप अपने हैवीली सॉइल डिशेस और अपने लाइटली सॉइल डिशेस मतलब डेलिकेट यूटेंसिल्स आप एक साथ वॉश कर सकते हो इस वॉश ऑप्शन की हेल्प से। तो जितने भी आपके हैवीली सॉइल्ड बड़े गंदे बर्तन हैं वो आपने लोअर वाली बास्केट में रखना है एंड डेलिकेट्स और कम गंदे बर्तन आपने अपर वाले बास्केट में रखना है। तो जैसे ही आप प्रोग्राम के साथ इस इंटेंसिव जोन को आप एक्टिवेट करते हो तो डिशवॉशर के अंदर जो दो स्प्रे आर्म होते हैं, तो लोअर वाला स्प्रे आर्म के अंदर आपको प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड अपर वाले स्प्रे आर्म के अंदर आपको कंपैरेटिवली प्रेशर कम देखने को मिलेगा। तो एक ही वॉश प्रोग्राम के अंदर आप दोनों टाइप के यूटेंसिल्स इजीली वॉश कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ड्राई का वॉश ऑप्शन आपको दोनों ही मॉडल्स के अंदर मिल जाता है। तो कई बार जब हम प्लास्टिक के यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से लास्ट में ड्राई नहीं होते हैं, तो इस एक्स्ट्रा ड्राई के वॉश ऑप्शन से आप अपने डिशवॉशर का ड्राइंग का एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बेटर ड्राइंग के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। देन फोर्थ वॉश ऑप्शन आपको सिर्फ SMS 6X वाले मॉडल के अंदर मिलेगा, जो कि है हाफ लोड का वॉश ऑप्शन। अगर आपके पास कम गंदे बर्तन है और कम क्वांटिटी में बर्तन है और आप चाहते हैं कि डिशवॉशर अपनी फुल एफिशिएंसी से काम ना करें, तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको हाफ लोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिशवॉशर है वो अब हाफ लोड मोड पे काम करता है। इन दोनों डिशवॉशर मॉडल्स के अगर हम नॉइस लेवल की बात करें तो SMS 46 वाले मॉडल के अंदर आपको 46 डेसिबल साउंड मिल जाता है एंड SMS 6X वाले मॉडल के अंदर आपको 48 डेसिबल साउंड मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर साउंड आपको दोनों डिशवॉशर के अंदर देखने को मिलता है। इन दोनों मॉडल्स के अगर हम नेट वेट की बात करें तो SMS 46 वाला मॉडल आपको 52 kg का देखने को मिलेगा एंड ये SMS 6X वाला मॉडल आपको 50.5 kg का देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये थे इन दोनों मॉडल्स के कुछ सिमिलरिटीज एंड कुछ डिफरेंसेस। इनके अलावा अगर कुछ और क्वेश्चन या क्वेरी अगर आपके मन में होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके उस क्वेश्चन का जल्दी आंसर करने का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।